हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। तो गाइज आज हम पहुंच चुके हैं सुखमणी ऑटोमोबाइल। देख सकते हो गाइज, आप महला रोड संगरूर पर पड़ता है ये पंजाब में। यहाँ पर गाइज हम रिव्यू करने वाले हैं आई वाइब्स की जो इम्प्रेस ईवी गाइज बैटरी वाली स्कूटी आती है, उसका जो रिव्यू हम आज शेयर करने वाले हैं आपके साथ। तो फ्रंट से हम लोग गाइज शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर गाइज आपको इंडिकेटर इसमें दे दिए गए हैं, हेडलाइट वगैरह आपको यहाँ पर नहीं दी गई। इंडिकेटर आपको दूसरी साइड भी इंडिकेटर मिल जाता है। यहाँ पर आपको मिल जाती है इसकी कंपनी की बैजिंग। नीचे आपको यहाँ पर एलईडी टेल लाइट दे रखी है, बीच में आपको एलईडी बल्ब दे रखा है गाइस, देख सकते हो। डीआरएल आपको यहाँ पर मिल जाती है, आपको यहाँ पर आके मिल जाता है इसका मड फ्लैप। यहाँ पर आपको मिल जाता है इसके 10 इंच के अलॉय व्हील के साथ आपको टायर मिलते हैं गाइस। डिस्क ब्रेक भी आपको आगे इसमें दे रखी है गाइस। तो साइड से हम लोग बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको रिफ्लेक्टर दिए गए हैं। यहाँ पर आपको जो फुट रेस्ट कार्गो एरिया जो दे रखा है, नीचे आपको मिल जाता है इसका साइड स्टैंड। यहाँ पर मिल जाता है आपको इसका बड़ा स्टैंड देखने के लिए। साइड पर आपको पीछे वाले पैसेंजर के लिए जो फुटरेस्ट भी गाइज दे रखा है। आई वाइब की बैजिंग आपको यहाँ पर मिल जाती है। जो इम्प्रेस ईवी है गाइज, जो स्कूटी का नाम है, वो यहाँ पर दिया गया है। पीछे से गाइज हम लोग बात कर लेते हैं, यहाँ पर आपको पकड़ने के लिए एक हैंडल दे रखा है, बैक हैंडल। एलईडी आपको लाइट मिलती है, तीन आपको यहाँ पर जो है स्ट्रिप दे रखी है। लाइसेंस प्लेट के लिए जगह, रिफ्लेक्टर आपको दे रखा है। बम्पर की क्वालिटी की बात करें तो डिसेंट सी आपको क्वालिटी इसमें मिल जाती है गाइज। 10 इंच का आपको, हालांकि पीछे वाले टायर में आपको जो अलॉय व्हील नहीं मिलता, 10 इंच का वो टायर मिलता है। यहाँ पर आपको जो है प्लास्टिक का जो गत्ता सा लगाकर कंपनी ने दे रखा है। बैटरी की प्लेसमेंट आपको जो है यहाँ पर मिलती है गाइस। सस्पेंशन सिस्टम आपको पीछे मिल जाता है। आई की बैचिंग इस साइड भी आपको की गई है गाइस। बैठ कर बता देते हैं गाइस आपको कैसा जो है। तो सीट वगैरह खोलने के लिए ऐसे आपको चाबी जो लेफ्ट टर्न आपको घुमानी पड़ेगी, ऐसे आप इसे उठा सकते हो गाइस। यहाँ पर आपको डिसेंट सा जो सामान रखने के लिए जगह इसमें मिल जाती है। एमसी स्विच आपको यहाँ पर दे रखी है, यहाँ से आप इसे स्विच वगैरह काट सकते हो। जो स्विच वगैरह काटने से ये गाइस चोरी वगैरह होने का डर आपको जो है नहीं होगा, ऐसे आप इसे बंद जो है वो कर सकते हो। बैठ कर देख लेते हैं गाइस आपको कैसा इसमें जो है वो मिलता है। जो चढ़ने उतरने की पोजीशन है ठीक ठाक से आपको मिलती है। जो नी रूम आपको मिलता है बहुत अच्छा मिल जाता है, हालांकि ये जो वो नीचा सा बहुत लगता है बाइक के हिसाब से। हाई लो बीम का स्विच मिल जाता है, इंडिकेटर स्विच आपको दिए गए हैं, और यहाँ पर मिलता है आपको इसकी हेडलाइट की स्विच। यहाँ पर आपको मिल जाता है इग्निशन, सेल्फ स्टार्ट, रिवर्स गियर का ऑप्शन आपको इसमें मिल जाता है। रिवर्स बटन आपको यहाँ पर दे रखा है। मिरर वगैरह आपको जब डिलीवरी होगी तब लगा कर दिए जाएंगे इसमें। तो गाइस वो यहाँ से आप इसे जो है वो ऑन कर सकते हो गाइस, देख सकते हो। नीचे आपको यहाँ पर थोड़ा सा स्पेस दे रखा है अपना, जो आपको टांगने के लिए हुक मिलते हैं वो फिक्स दे रखी है। यहाँ पर भी आपको एक जो है बैटरी चार्ज करने के लिए यहाँ पर आपको पोर्ट जो है वो दे रखा है गाइस। इग्निशन ऑन कर लेते हैं गाइस। ऐसा कुछ आपको स्पीडोमीटर में जो है व्यू देखने के लिए मिलता है। बैटरी की लोगो आपको यहाँ पर दे रखा है। स्पीड का आपको यहाँ पर मिल जाता है। पार्किंग में अभी गाड़ी खड़ी हुई है, तो यहाँ पर आपको इंडिकेटर का दे रखा है गाइस। हेडलाइट स्विच आपको यहाँ पर जो है वो देखने के लिए मिल जाती है। जो लोगो जो हेडलाइट का आपको आइकन भी यहाँ पर मिल जाता है। फिर नीचे आपको किलोमीटर वगैरह गाइस दे रखे हैं। हैंड ब्रेक की बात करें तो आप यहाँ से आप जो है हैंड ब्रेक इसकी जो है लगा सकते हो गाइस, देख सकते हो आप। हैंड ब्रेक जो है यह इस वाली ब्रेक से गाइस चालू हो जाती है, देख सकते हो आप। अभी बात कर लेते हैं गाइस इसकी बैटरी की और प्राइस वगैरह की। तो बैटरी और प्राइस वगैरह की गाइस इसकी बात कर लेते हैं, तो आपको इसमें सिंगल बैटरी जो मिलती है चार्ज होने में गाइस जो 6 से 7 घंटे का टाइम लेती है। अगर हम एवरेज की बात करें तो 60 से 70 किलोमीटर के बीच में आपको एवरेज इसकी मिलती है। प्राइस की बात कर लेते हैं तो आपको 60 से 70 के बीच इसका जो प्राइस है वो आपको देखने के लिए मिल जाता है। तो यही थी गाइस आज की वीडियो। मिलते हैं किसी नई वीडियो में। चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच।